Hey guys, welcome to our channel. तो आज आपका दिख रहा है मैं बहुत रेडी होके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक अलग टाइप की थोड़ी रील बनाने वाले हैं पुराने गाने पे. तो इसीलिए मुझे साड़ी पहननी थी उसके लिए. तो अभी हमें थोड़ा बाहर भी जाना है तो जिस टाइप का मेरे को वीडियो बनाना है उस टाइप का थोड़ा बाहर ही हो सकता है क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ी पुरानी पुरानी टाइप की चीज़ें चाहिए मुझे. तो देखते हैं किस टाइप का बनेगा ये वीडियो. सोचा तो बहुत कुछ है तो उसी के लिए मैंने साड़ी पहना है और मैं रेडी हूँ. तो आज ही लकीली हमको आटा लेने भी जाना है तो वहाँ पे थोड़ा सा पुराना टाइप का ऐसे घर वर बने हुए हैं तो देखते हैं वहाँ पर मैं अगर बैकग्राउंड कुछ पुराना ऐसा मिल जाएगा तो अच्छा वीडियो बनेगा मेरा. तो चलो देखते हैं अभी. तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं बाहर और मैं जहाँ देख रही हूँ मेरे को वही उसी टाइप की चीज़ें ढूंढ रही हूँ मैं कि ये पुराना है ये पुराना है. तो बहुत कुछ तो आ गया दिमाग में, अब देखते हैं कैसा बनेगा. और ये दोनों भी यहाँ पे बैठे हुए हैं. प्रीशा तो चलो पहले तो आटा ले लेते हैं. वहीं पर मेरे को आसपास में बहुत कुछ मिल जाएगा क्योंकि वो पुराने टाइप का ही है वो उनका जो घर है और वो है. तो चलो पहले आटा ले लेते हैं. तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ गई है तो चलो अब करते हैं. बन गया है, यहाँ पे ही बना लिया हमने एक ही जगह पे सब कुछ. पीछे में बकरी देखी. बस बस बैठो. यहाँ पे हर्ष और प्रीशा बकरी को चारा खिला रहे हैं. वाओ प्रीशा कितनी सुंदर है ना, खिलाओ. हाँ उनको उनको खिलाना है. मारेगी बकरी, सींग से मारती है. दूर ही रहो, दूर से रहो, दूर से नहीं मारेगी. पेट भरा है उनका. आ जाओ. क्या पीछे करो, पीछे टच करो, टच खुद से करो. ऐसे टच करो, आप करवाओ ना एक बार. क्यों खुद से करेगी वो, आप तो आप ऐसे टच कर लो ऐसे. चलो 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 तो गाइज हम लोग का वीडियो बन गया है और मैंने जो जो सोचा था वो एक ही जगह पे मुझे मिल गया है. जो जो चीजें मैंने सोची थी मुझे चाहिए थी पुराने टाइप की साइकिल जो पहले चलाते थे तो वो वहीं पे वो अंकल के पास में थी और जैसा पुराना एरिया वैसा सब कुछ एक ही जगह पे मिल गया. तो मेरा वीडियो तो एक ही जगह पे बन गया. मुझे लगा मेरे को जगह जगह ढूंढना पड़ेगा पर एक ही इसमें हो गया. तो ये सब लक था तो हो गया अच्छे से. और अब हम लोग जा रहे हैं घर और फिर करेंगे लंच. नाश्ता पार्टी अभी नाश्ता पार्टी तो अभी लंच टाइम लंच करेंगे. तो फ्रेंड्स अभी मैं और हर्ष जा रहे हैं बैडमिंटन खेलना तो चलते हैं. तो यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट में कुछ काम चल रहा था, पहले देखना पड़ेगा वहाँ पे एरिया अभी ठीक हुआ है कि नहीं. तो चलो चलते हैं. और ये रहा हर्ष, प्रीशा तो सो रही है.
और यहाँ पे चल रहा है मैच। तो ये ले लिया है हमने, ये दोनों बैडमिंटन किसका है, हर्ष पापा का। तो हम लोग खेलेंगे यहाँ पे। तो ले लिया हमारा प्लेइंग एरिया। इस नेट का ही खेलेंगे फिर। किस नेट का? देखिए जो लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन को मान लेते, क्योंकि अभी उधर काम चल रहा है तो उधर नहीं खेल सकते। ये लाइन, ये बीच वाली लाइन है, अगर लाइन के उधर गिरा तो तेरा पॉइंट, लाइन के इधर गिरा तो मेरा पॉइंट। पापा नहीं कुछ समझ रहा। स्टार्ट कर। अरे उतना ऊपर से नहीं जाता, ले ये है ठीक है सेंटर की लाइन। अरे तू आ गया जो, ये वाइट थोड़ी ना यार। हाँ अब यही है सेंटर की लाइन, देख ले आगे में ये ठीक है। तो ये वाइट लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, चलो लेना। A few moments later. तो फ्रेंड्स कल है हमारे यहाँ ठंडा खाना खाते हैं, कल शीतला माता धोकेंगे हम लोग। तो उसका खाना पिशा, कल क्या है, पूजा है? नहीं। हाँ। है। हाँ। तो कल शीतला माता की धोक मारेंगे, तो उसके लिए तल ठंडा। हाँ कल, रुको ना एक मिनट बोल। तो कल के लिए अभी से खाना बना के रखना होता है उसके लिए। इधर इधर। तो कल के लिए पूरी आलू की सब्जी और मीठे चावल बने हैं, और दो रोटी सूखी बनी है, क्योंकि वो रोटी में चावल, मीठे चावल और दही ऐसे, और वो बाजरा या ऐसे कुछ भिगो के रखना होता है, वो भी डालेंगे उसमें। तो ऐसे पूजा करनी होती है, बेसिकली ठंडा खाना होता है कल, और कल के दिन गैस नहीं चालू होती है। तो पूजा करने के बाद में अगर बच्चे छोटे हैं घर में तो दूध चाय वगैरह के लिए गैस चलती है, लेकिन पहले पूजा होती है। तो बस यही था आज का, ये सब में बिजी थे हम, और बन गया है कल का पूरा खाना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो Please like, share, bye, take care, subscribe to our channel. See you, bye.